तुमसे ज्यादा पता है मुझे, पहले इतने टाइम से केयर मैं ही कर रही थी इनकी, को बड़ा स्पेस कम मतलब लगता है, करो एक बार इधर उधर भी गिर जाते हैं कभी कभी डर की वजह से भी। क्या हुआ है यार, किधर है? तो गाइस बंदर बहुत ज्यादा थे अभी, और बहुत ज्यादा बंदर कुत्ते हमारे यहाँ मतलब बार्गिंग कर रहे थे, भौंक रहे थे। मैं फटाफट से चढ़ के ऊपर आया हूँ, वो देखिए कबूतर सामने उड़ गए, बंदरों के वैसे उड़े हुए हैं अभी पक्का 100% है ना। और हमारे भी काफी सारे कबूतर उड़े हैं, जिनमें से वो देखिए एक तो आकर के बैठा है अभी अभी है ना, वो देखिए तो सारे कबूतर हमारे जो है बंदरों के वैसे उड़े रखे थे। तो फाइनली गाइज देखते हूँ अंडे वंडे का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है कोई, ये अंडे भी सेफ हैं, और इसके अंडे भाई तुम दिखाओ तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ये अंडे भी सेफ हैं, इधर भी चेक कर लेते हैं, तुम दिखाओ भी तुम्हारे अंडे सेफ हैं। अक्सर बंदर आते हैं गाइस अंडे खा जाते हैं हमारे यहाँ कबूतरों के, यहाँ मैं देखता हूँ यहाँ तो कोई अंडा ही नहीं है। इधर दिखाओ तुम दोनों अंडे दिखाओ भाई, ये भी इसका अंडा एक तो है, दूसरा अंडा है, दोनों अंडे सेफ है। और इधर क्या हटो तुम, तुम्हारे अंडे कहाँ अभी, तुम दिखाओ दोनों अंडे फटाफट अपने, जल्दी से हटो पीछे हटो इसके अंडे। तो गाइस इसकी भी दोनों अंडे सेफ है, थैंक गॉड। ये पतंग इतनी उड़ते हैं हमारे, इन पतंगों की वजह से भी हमारे कबूतर बहुत ज़्यादा डरते हैं। अरे यार ये नया बच्चा नीचे बैठ गया, इधर तुम यहाँ कहाँ बैठे हो भाई, तुम्हें किसने कहा यहाँ बैठने के लिए, जाओ अंदर जगह पर जाओ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी पापा यहीं दाना खिलाएंगे, यहाँ से आना जाना मत, आना मत कहीं भी, नीचे गिर जाओगे छोटे हो तुम, पहले बात तो तुमने निकल के बड़ी गलती कर दी है ठीक है यहाँ से। ओके वो देखो गाइस मैं पहले कर रहा हूँ, देखो गाइस देखिए कबूतर हमारा यहाँ रखा है पता नहीं कहाँ से। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं बंदरों से हमारे कबूतरों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, पहले भी कई बार नुकसान कर गए हैं, तो इसलिए मैं डर रहता ही है अभी। क्या हो गया, कैसे धमधम सी कर रखी है? धमधम क्या यार, क्योंकि बंदर छत पर आ गए और बंदरों ने देखो सारे कबूतर उड़ा रखे हैं यार, ये तो अच्छा है। ये देखो इधर वो देखो ऊपर उड़ रहे हैं कबूतर सारे, कबूतर उड़ रहे हैं, पतंग थी या बंदर था पता नहीं क्या था, समझ नहीं आया मेरे को। नुकसान करके गए हैं क्या कुछ, ये खोल रखे थे क्या सब? नहीं नहीं अंडे वगैरह सब सेफ है, वो देखो उधर के अंडे भी यार नीचे तक आवाज जा रही है, मैंने सोचा पता नहीं क्या ही हो गया आज, तो सच में कुछ ना कुछ हो ही गया होगा पक्का, क्योंकि जब भी होता है ना कुछ नुकसान ही हो भी सकता था यार, ये जाल खुला हुआ था यार। अंडे वगैरह बताओ सब ठीक है? अंडे वगैरह सब ठीक है, मैंने सबके चेक कर लिए, सभी के ठीक है, बस क्योंकि ये था कि अगर मैं लेट हो जाता ना तो हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाता। तो यार ये कबूतरों का भी तो सोचो जो निकल गए हैं, अब उनका भी तो ये ना डर की वजह से कभी कभी वापस भी नहीं आते हैं ये। आ जाएंगे चिंता ना करो यार, आ जाएंगे, जाएंगे नहीं कहीं भी। और नया कबूतर कहाँ है हमारा, वो नया कबूतर है ना? अच्छा ठीक है जोड़ो। यार मैं तो डर गई इनकी भी, क्योंकि अभी अनजान ही है छत पे, इनको ज्यादा टाइम हुआ ही कहाँ है, और निकल जाते तो एक सेकंड यार नए कबूतर से याद आया, जिनके हमने पर खोले थे वो वाले कबूतर कहाँ गए दोनों लाल वाला, और वो ही भागे होंगे तो पक्का, वो ही गए होंगे। एक सेकंड रुको तो सही यार मैं देख तो लूँ, और एक वो कबूतर भी था हमारा यार जो जिसके जो कलर लगा हुआ मैंने पकड़ा था, वो भी नहीं मिल रहा। ओ यार तुम्हें पता तो है वो कबूतर इतने ज्यादा अभी हमारी छत को जानते नहीं है, और निकल भी गए तो वो सच में वापस नहीं आने वाले। चेक करो एक बार इधर उधर भी गिर जाते हैं कभी कभी डर की वजह से भी। ये अपने कबूतर हैं ये वाले तो सारे, पता है उस दिन जब बंदर आए थे ना मैं तुम्हें बताऊं, तुम नहीं थे यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रखा था, फिर मैंने खुद ही भगाए थे गुलेल से बंदर, तो पता है उनमें से हमारा देखो वो वाला जो एक थमले के ऊपर बैठा हुआ है ये वाला कबूतर यहाँ पे वाटर टैंक के पीछे पड़ा हुआ था, और इससे उड़ा भी नहीं जा रहा था, और जब मैंने इसको इधर लाने की, कौन सा वाला, ये वाला जो थमले पे बैठा हुआ है ये पता है कहाँ पे, काउंटिंग करके बताओ ना, ऐसा मुझे क्या पता चलेगा। अरे ना आपको कैसे पता, थमले पे एक ही तो बैठा हुआ है, बाकी तो देखो ग्रिल के ऊपर बैठे हुए हैं, ब्लैक और व्हाइट जो अपने पर को झाड़ रहा है वो वाला, पता है यहाँ पे पड़ा हुआ था, और जब मैंने उसे इधर लाने की कोशिश की तो वो उधर की तरफ गिर गया, डर के चला गया, क्योंकि ऐसा हो जाता है। और ये देखो पता नहीं अभी अभी मेरे हाथ में क्या हो गया है, किसने मस्किटो में काट लिया होगा, अभी अभी हुआ है। तो गाइज हमारे आसमान में अभी 3 कबूतर हमें दिखाई दे रहे हैं, और बाकी 3 कबूतर हमारे बिल्कुल भाग चुके हैं, देख नहीं रहे हैं कहीं भी है ना। एक तो लाल था जो यहाँ था, उसके साथ एक कबूतरी वो थी जिसकी हमने पर खोले थे मैंने परसों वीडियो में, कल परसों की में, और बाकी एक कबूतर और था जो कि गाइज मेरी ना पूरी शक्की सुई तुम्हारे ऊपर ही जाती है, कुछ होता है मतलब मुझ पर शक की क्या बात है यार, तुम्हें तुम्हारे सामने की सारी बात है। एक ये कबूतर किसका देखो नया आ गया,
पकड़ो फिर पकड़ो ना यार, ऐसा हो सकता है कभी हमारा ही नहीं, हमारा नहीं है। अरे जाने दो यार, कोगी जो आ रहा है वो जाएगा, जो आ रहा है वो आएगा यार, क्या करें यार। अभी दो तीन कबूतर एक्स्ट्रा बढ़े हैं गाइस, और एक दो कबूतर हमारे कम भी हो गए यार, एक नहीं तीन दिन। क्योंकि मुझे तो लगता है बंदर नहीं थे, पतंग थी शायद, क्योंकि यार पतंग से डरे कबूतर, किसने जानकर ऐसा क्या हुआ हमारे साथ, क्या बोलती हो तुम। तब मैं आता है दो तीन पतंग उड़ रही थी सारी, ये ऐसा हो सकता है कोई पतंग कट के। आपने बंदर को देखा था क्या आसपास इधर उधर, एक आध बंदर दिखाई दिया? कुत्ते जोर जोर से भोंक रहे थे, मैंने सोचा कुत्ते भोंक रहे हैं तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है दूर भी निकल जाते हैं, और कभी कभी एक दो बैठे बंदर ऐसा होता है, बंदर को कितनी देर लगी मान लो वहां से, मैंने गेट बजाया वो भागे होंगे, और ये पूरा नेट ही उड़ा रखा है, ये पूरा सेटअप ही। तो ये कबूतर नया है किसी का, ये पता नहीं है किसका, ये गया नीचे की तरफ। एक नया कबूतर बहुत जोर से उड़ रहा है, पर ये हमारा है नहीं, मैं आपको बता दूँ। वो देखिए ये आ रखा है, ये हमारा है नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता ये बैठेगा कहाँ पर। बाकी मैं अपने कबूतरों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो इसलिए हमने हमारे जो कबूतर पहले दो तीन भाग चुके हैं, वो एक तो ये आ गया, और एक ये आ गया, और ये एक ये आया ऊपर से। ये काफ़ी कबूतर हमारे आने की कोशिश कर रहे हैं नीचे, तो अच्छी बात है ना, आ जाएंगे, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत है मतलब इस तरह की नॉलेज है, ये खुद से मतलब निकल भी जाए तो पुराने हैं ना, समझदार है, वो सब आ जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। ये देखो बच्चा भी उड़ के वापस आ गया, ये भी बहुत समझदार हो गया है आजकल, ये भी ऊपर से बैठा हुआ टीम पे, हां आ जाता है उड़ के ये वापस फाइबर पे, सॉरी। हाँ यार ये बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने से कई बार देखा है निकल जाता है, कई बार बहुत बहुत टाइम के लिए और आ जाता है। तो गाइस कबूतर जो है काफी सारे भाग चुके हैं, अभी जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, तीन कबूतरों का लॉस हुआ है, वेट करेंगे वो आ जाएंगे तो अच्छी बात, और नहीं आएंगे तो भी अच्छी बात है। जैसे हम लोगों के पास किसी और कबूतर आ जाते हैं तो हमारे भी कहीं और जा सकते हैं, जाकर बैठ जाते होंगे, और कोई उनको पकड़ के अपने रख भी लेता होगा अपने वहीं पे पिजन हाउस पर जो उनका होगा। कोई बात नहीं गाइस, एडजस्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, सोचेंगे हमारे यहाँ कुछ स्पेस कम हो गया, वैसे स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो रखा था, मैं दिखाऊँ कम हो रखा था, ये देखिए कुछ कम हुआ स्पेस, तो कोई बात नहीं यार, क्योंकि यार देखना वो कबूतर सामने उड़ रहा है, वो तो नहीं है उधर उड़ गया उधर, आपको बड़ा स्पेस कम मतलब लगता है मुझे तो, फिर भी कितने कबूतर यहाँ पर इकट्ठे हो जाए तब भी मेरे लिए। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता है नहीं यार, तुम पता है ज्यादा कबूतर इकट्ठा होने तक कबूतरों को बैठने में दिक्कत होती है उधर, तुमसे ज्यादा पता है मुझे, पहले इतने टाइम से केयर मैं ही कर रही थी इनकी। तो ठीक है तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, मैंने ये कब कहा कि तुम मुझसे ज्यादा नहीं पता, मेरे साथ पूरी YouTube फैमिली है, आई बात समझ में आ रही है, आप अकेले एक और पूरी YouTube फैमिली मेरे साथ, तो फिर कौन किसकी ज्यादा हुई भैया ने, मालिक साहब हम माफ कर दूं, हमसे पैर पकड़ो तुम्हारे पैर, नहीं 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 कबूतर आते हैं तोड़ तो खुशी होती है, और जब एक आध निकल जाता है ना फिर कुछ ना कुछ माइंड से ना, कबूतर की बात कहते हैं जो है ना, तुम थोड़ा सा ये जरा मौसम ठीक होने दो, बहुत से भाइयों ने कमेंट की थी कि भाई बरसात में थोड़ा सा कबूतरों को ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, वरना सारे कबूतर बीमार हो सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इनका ख्याल रखना है, और ज़्यादा कबूतर बढ़ाना मत, ठीक है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये कहा था। गाइस मैंने आप लोगों की सभी कमेंट पढ़ी थी, आप लोगों की लगभग लगभग यही राय थी कि कबूतर ना लाएँ ज़्यादा और ना बढ़ाएँ और ज़्यादा केयर करें, तो बस थोड़ी बरसात कम होने दो, उसके बाद ऐसा सरप्राइज़ दूंगा, क्योंकि बड़ा सरप्राइज़ दूंगा मैं तुम्हें, तुम सच में याद करोगी क्या सरप्राइज़ दिया है, इतना बड़ा सोचा है मैंने तुम्हारे सेटअप को लेके, तुम्हारा सेटअप कि को बिल्कुल ऐसा कर दूंगा, तुमने शायद सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ मैंने सोचा है, ठीक है, स्पेशली पिजन सेटअप पे तुम्हारे पे काम करना है पक्का। और गाइस आजकल हमारे मद्रासी बच्चे ने क्या सोचा है कबूतर ने, तो पहले बच्चा था, उसको बच्चा ही मुँह से निकलता है, क्योंकि हमने बच्चा ही पकड़ा था, तो ये बड़ा हो गया, इसके बाप बन गया ये पूरा, बाप जब भी दूध देता है बना नहीं है बन जाएगा, इसके अंडे दो रखे हैं गाइस, मैं दिखाता हूं इसकी फीमेल को, अरे ज्यादा अंडे लगाए तो बाप ही समझो इसे, ये भी समझ लो, ये गाइस ये फीमेल बैठी हुई है ना, ये फीमेल जो है इसी की है, वो फीमेल है और वो बैठा हुआ है इसका मेल। तो गाइस इसने क्या सोचा हुआ है कि दो तीन दिन से मैं देखता हूँ ये उड़ता है सामने जाकर बैठ जाता है, पता नहीं किस चीज से डरता है या क्या, इनकी चौकीदारी करता है सिपाही। एक मिनट कर, हाँ बोलो, देखो मुझे अभी कुछ दिखाई दिया, क्या पीली वाली जो ये फीमेल है, ब्राउन वाली फैमिली से जो है ये, इसकी एक आंख कैसे हो रही है, तुमने आज नोटिस किया? मैंने काफी टाइम पहले नोटिस कर लिया यार, ये अंदर ज्यादा रहती है ना इसलिए इतना अंदर नहीं, इसे एक्चुअली क्या हुआ एक दिन ही अपने अभी जाकर इसमें बंद होगी, रात को मैंने ध्यान नहीं किया, जब ये इसमें जाकर सब ने मिलकर इसकी आंख, नहीं 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 इसमें बंद होगी तो ये सामने कोने में इनने सोचा कोई रास्ता होगा उधर को, ये घिसती रही बार बार एक साइड से, तो इसने एक आंख अपनी मतलब थोड़ा सा उस पर जख्म हो गया, मैं दिखाता हूँ कितनी बेकार हो रही है, जूम करके दिखाओ वरना उड़ जाएगी, दूर से दिखाओ, नहीं स्किन पे दिक्कत है, इसकी आंख पे दिक्कत नहीं है गाइस, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आंख ठीक है क्या, आंख बिल्कुल ठीक है इसकी, भाई इसकी स्किन पर ही दिक्कत है, वो देखो कुछ ऐसा इधर भी हो रहा है, देखो एक ये बच्चा मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि यार ये बैठा हुआ आराम से गया, वो गया
हाँ क्या बोल रही थी तुम, बोलो। ऐसा ही कुछ इधर भी हो रहा है देखो, जैसा मैं उसको बता रही हूँ, इसकी आँख देखो। ये तो यार स्टार्टिंग से इसका तो अपना शुरू से ही ऐसा रहा है। ये पता है कभी हमारे बच्चे निकला था ना, घर का बच्चा है गाइस हमारे, तो गाइस हुआ क्या था कि उस वक्त पॉक्स की बीमारी चल रही थी रिलीजन में, और इसको ये पॉक्स का दाना निकला था इसकी आइज के पास, मतलब आँख के पास, और तब से फिर वो अपने आप दाना जो है झटके के नीचे गिर गया। मगर इसकी आँख पर फिर भी एक हल्का सा मैं दिखा दूँ, अभी तक इसकी स्किन को ख़राब कर गया, और ये स्किन तभी से इसकी यहाँ से डैमेज है और ऐसी की ऐसी है, क्योंकि देखो ये वाली पतंग थी तब मैं छत पर आया था, ये वाली। अच्छा ये वाली पतंग इस पतंग की वजह से हुआ होगा, जो भी हुआ होगा पक्का। और हाँ भाई गाइस, इस बच्चे की मैं आपको बता दूँ यार, इतना बढ़िया बच्चा है, हमारे यहाँ भाग कर आया काफ़ी टाइम बाद, इसके हमने विंग्स भी लॉक नहीं किए, अभी तक कहीं भाग कर गया ही नहीं है, अपना मस्त रहता है, कोई टेंशन ही नहीं है इस बंदे को यार, बिल्कुल सेट का सेट बच्चा है एकदम, है ना। कोई पढ़ना नीचे गेट में रहा, देख देखता हूँ, जाओ देख के आओ। ये देखो गाइस, आर्यन वहाँ पर चेक करने के लिए गए हैं, कोई डोर पे तो नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे कबूतर बैठे हुए थे, वो सब उड़ गए की वजह से वहाँ बैठ गए हैं जाके, देखो एक दूसरे को भगाने में लगे हुए। ओके तुम्हारा एक और सरप्राइज आ गया, बोलो क्या हो सकता है। केज होगा जरूर, है ना, तुम्हें तो पता है यार। पोस्टमैन है क्या? पोस्टमैन केज आ गया तुम्हारा। हाँ। जो भी टास्क में दिए मैंने सारे कंप्लीट किए हैं, और सब अभी कंप्लीट किए हैं, आगे भी टास्क में तुम्हारे कंप्लीट करता रहूंगा, तो चलो चलते हैं केज को लेकर आते हैं, ठीक है? ठीक है। तो फिर गाइज केज जो है हमारा आ चुका है, और तो गाइज अभी ना नीचे हमारा केज आ गया है, जो कि आर्यन ने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि, और मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि लव बर्ड्स की कॉलोनी मुझे आर्यन से चाहिए, यानी कि आर्यन मुझे लव बर्ड्स की कॉलोनी लगा कर देंगे, और जगह वगैरह सब मैंने आप लोगों को दिखा दी थी कहाँ पर लगाएंगे। तो अभी पोस्टमैन जो है वो हमारा केज लेकर आ गया, क्योंकि कुछ टाइम पहले आर्यन ने ऑर्डर भी कर दिया था, तो अब मैं फटाफट से जाकर उस केज को लेकर आ जाती हूँ नीचे से। हो सकता है किसी ने फैमिली मेंबर ने ले भी लिया होगा, तो नीचे से ऊपर ही लाकर रखना है, बस इतना ही काम मुझे करना है। तो फटाफट से मैं जाती हूँ, और आज की वीडियो को भी यहीं पर ओवर करती हूँ, कल मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का, परिंदों का, सभी का ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।